अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ चने का पुलाव। और इसके लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन 3 कप चावल लेकर उनको पानी में भिगो कर रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इनको भिगोए हुए। और इसके अलावा मैंने उबले हुए चने तकरीबन 2 कप ले लिए हैं। इनके अलावा हमें जो अज्जा चाहिए, मैंने तकरीबन 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको काट लिया है। 1 टमाटर, इसको भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा अचार तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच लिया है। 2 हरी मिर्चें काट ली हैं और 1/3 कप मैंने ऑयल का ले लिया है। जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून ईच लिया है। इमली तकरीबन 2 टेबलस्पून, ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, नमक आपके जायके के मुताबिक, हल्दी तकरीबन 1/4 चम्मच, और ये गरम मसाला है जिसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता लिया है, सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, और साथ में मैंने काली मिर्च और 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पैन लेके इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप आप तेल का डाल दें। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको सिर्फ सोते करना है। थोड़ा सा इसमें चम्मच हिला लें। जब प्याज थोड़ा ब्राउन होने लगे तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इसके अंदर हल्दी, इमली जो हमने ली थी तकरीबन 2 चम्मच, इसको भी डाल दें। ज़ीरा, नमक, टमाटर, गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके अंदर जो हमने चने लिए थे वो डाल दें। गरम मसाला पाउडर वो भी डाल दें। जायफल जावित्री का पाउडर वो भी आप डाल दें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जायफल जावित्री जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से वो फिर आपका जो खाना है वो कड़वा भी हो सकता है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें, साथ ही जो ये अचार हमने लिया था तकरीबन 2 चम्मच, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने ये नेशनल का अचार लिया था और घर का ये नहीं मैंने बनाया, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अचार के बगैर ये बहुत मज़े का नहीं बनेगा, तो आप इसको एक दफ़ा अचार के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने पहले से गले हुए हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने चावल भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर ही। मैंने तकरीबन 3 कप चावल लिए थे, तो इसके अंदर मैं 6 कप पानी का डालूंगी। तकरीबन चावलों के अंदर पानी ख़त्म हो रहा है, 2 मिनट तक हम इसको दम पर रख देंगे। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है, अब मैं इसको दम पे रख 15 मिनट के लिए इसको आप अब दम पे रहने दें बिल्कुल हल्की आंच पे। और जनाब हमारा चना पुलाव पककर तैयार हो गया है। इसको तैयार एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।